हाय, मैं गिरीश आप सबका स्वागत करता हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज़ में। तो स्टूडेंट, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है उसके बारे में टीटीएल सिलेबस के कंटेंट जो है वो डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट। उसके बाद जो भी रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक है इस सब्जेक्ट के लिए उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली लॉजिक गेट्स है, मीन्स इस सब्जेक्ट में थ्योरी एज वेल एज आपको लॉजिकल मीन्स मैथमेटिकल पार्ट्स भी रहेगा। ठीक है, थ्योरी इसमें कम है बट इसमें जो मैथमेटिकल पार्ट्स है, मैथमेटिकल पार्ट्स मीन्स साइन वेव कॉस वेव इस तरह से नहीं, लॉजिकल पार्ट्स। ओके, लॉजिक्स के बारे में आपको थिंक करना है और लॉजिक पे ही डिपेंड होंगे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 50-50 पार्ट्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आपका 40% सपोज आपका थ्योरी रहेगा एंड 60% आपका लॉजिकल पार्ट रहेगा। तो जो भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे उसमें थ्योरी कम रहेगा बट लॉजिकल पार्ट का प्रपोजिशंस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम डिटेल सिलेबस देखते हैं। ठीक है, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे टोटल सिलेबस जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, FOIT का कोर सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपलसरी सब्जेक्ट है। ओके, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका एक थ्योरी पेपर होगा 100 मार्क्स का थ्योरेटिकल। ठीक है, जिसमें आपको यही जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 5 यूनिट्स, इसमें टोटल सिलेबस डिवाइड किया है 100 मार्क्स का थ्योरी और रिमेनिंग जो रहेगा आपका प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल इस सब्जेक्ट के लिए इंटरनल होता है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल थेरी के ऊपर फोकस करेंगे मेनली। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपके दो पार्ट्स रहेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हर यूनिट में दो पार्ट्स है, मीन्स दो सेक्शन में यूनिट को डिवाइड किया है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए पार्ट बी मिला के आपका फर्स्ट यूनिट होगा, वैसे ही यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, बट अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसा डिवीजन नहीं कि पार्ट ए में से इतने क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट बी में से इतना क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। ओके, तो नंबर सिस्टम पे भी आपका पूरे क्वेश्चंस आ सकते हैं यूनिट वन में से, या पूरा बाइनरी अरिथमेटिक पे भी पूरे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल यूनिट अगर प्रिपेयर करना है तो ए और बी पार्ट दोनों भी आपके प्रिपेयर होने चाहिए, तो आपका एक यूनिट कम्प्लीट होगा। ठीक है, तो अभी जो यूनिट नंबर वन है उसमें हम देखते हैं डिटेल कि उसमें नंबर सिस्टम है फर्स्ट पार्ट। ओके, मींस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर सिस्टम यूज़ होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है, तो उसका हमें डिटेल स्टडी करना है, मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस, और उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं कन्वर्जन के। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसका जो प्रोसीजर रहेगा स्टेप बाय स्टेप, तो वो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो अभी ये सेम में हो सकता है कि थ्योरी पेपर ना हो तो MCQ हो सकते हैं। ठीक है, तो MCQ में आपको टोटल नॉलेज होना चाहिए क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। एक नंबर सिस्टम एक प्रॉब्लम दिया रहेगा और उसको कन्वर्ट करना है एक नंबर सिस्टम से दूसरे में, सपोज बाइनरी से कन्वर्ट करना है उसको हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसके चार ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप करेक्ट आंसर उसका चूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के लिए आपको पूरा डिटेल बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, और इस सब्जेक्ट के लिए कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट वन, क्योंकि हर यूनिट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर हम सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि नंबर सिस्टम ही बेसिक है। नंबर सिस्टम से ही आगे के यूनिट सब डिपेंड है क्योंकि बेस वही है। ठीक है, तो कोई भी लेक्चर आप मिस मत करें, और ये जो वीडियो रहेगा ये यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे स्किप करके प्लीज़ वीडियो मत देखो। ठीक है, अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे, फर्स्ट पार्ट देखा थोड़ा स्किप कर दिया, सेंटर का पार्ट देखा और स्किप कर दिया, थर्ड पार्ट देख रहे हो आप, ठीक है, तो आपका नॉलेज भी स्किप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में जो नॉलेज रहेगा मेन वो आप मिस कर जाओगे, और अगर MCQ टाइप्स क्वेश्चंस अगर इस तरह का पेपर अगर आया MCQ, ठीक है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे।
क्योंकि अगर थ्योरी पेपर है तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो थ्योरेटिकल पार्ट्स, ठीक है, रिलेटेड थ्योरी, तो सपोज मार्क्स मिल जाएंगे, पासिंग हो जाएगा। बट एमसीक्यू में वैसा नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में चार ही ऑप्शन है, उसमें से एक ही करेक्ट है, और वो करेक्ट आने के लिए आपका रीडिंग होना चाहिए, ठीक है। और एमसीक्यू में ऐसा है कि आप एक लाइन पे भी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। और अब अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो इसमें आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। और आगे के सभी यूनिट यूनिट नंबर वन पे डिपेंड है, अगर यूनिट नंबर वन मिस हुआ तो आगे डिजिटल में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक मिस से तो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वीडियो सीरीज़ है, आप कोई भी पार्ट्स मिस मत करो, वीडियोस देखो ठीक से, ठीक है, और उसे स्किप भी मत करो। और जो भी क्यूरी होगा आपका, वो आप सपोज यूनिट नंबर वन में नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक है, कुछ पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नोटबुक पे नोट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीकली हम डाउट सॉल्विंग सेशन लेंगे तो आप जूम ऐप थ्रू उसमें मीटिंग में कनेक्ट होके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये पार्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ऑनलाइन उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है वो बाइनरी अर्थमेटिक है, बी पार्ट, ठीक है। तो बाइनरी अर्थमेटिक में अलग अलग कोड्स है, वेटेड कोड्स है, तो वो आपको पढ़ना है बाइनरी अर्थमेटिक में। तो अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, एक्चुअली मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो इसमें मैं आपको टोटल जो सिलेबस है 15 यूनिट का विद सब टॉपिक्स, वो आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 75 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जामिनेशन रहेगा, 25 जो रहेगा आपका वो इंटरनल मार्क्स रहेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से आपका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट इज़ नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अरिथमेटिक। तो बाइनरी अरिथमेटिक में आपको जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, उसमें देखो आप कि बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन, मीन्स डे टू डे लाइफ में जो हम अरिथमेटिक फंक्शन यूज़ करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ओके। तो ये बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस है, तो ये आपको बाइनरी के लिए पढ़ना है। बाइनरी मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोज, इट इज़ अ डिजिटल, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हमें फोकस करना है डिजिटल, नॉट ऑन द एनालॉग, ओके। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट नंबर वन में। तो उसके बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है बाइनरी नंबर का, उसका मेथड, उस पर भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बीसीडी कोड्स क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक्सेस 3 अरिथमेटिक, ये सब हमें बाइनरी अरिथमेटिक में कवर करना है, ठीक है। और नंबर सिस्टम में आपको यही पढ़ना है बेसिकली, एनालॉग सिस्टम क्या होता है, डिजिटल सिस्टम क्या होता है, मेनली हमारा फोकस डिजिटल पे ही होगा, ठीक है। देन नंबर सिस्टम के टाइप्स, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, ये सब, और उसका कन्वर्जन, मीन्स एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसा कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कोड जो रहेगा, आस्की कोड जो कीबोर्ड में यूज़ होता है, ठीक है, तो मोर्से कोड क्या है, टेलीप्राइटर क्या है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैसा होता है बाइनरी कोड्स में, ठीक है। तो ये सब डिटेल हमारा नंबर सिस्टम में कवर होगा। तो ए और बी पार्ट मिला के आपका टोटल यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसके लिए 12 लेक्चर्स अलोकेट किए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट नंबर टू। यूनिट नंबर टू में बुलियन अलजेब्रा ए पार्ट है, ठीक है, और बी पार्ट जो रहेगा आपका मिन टर्म, मैक्स टर्म एंड के मैप, करनौफ मैप, ओके। तो ये दोनों ए और बी मिला के आपका यूनिट नंबर टू है। तो यूनिट नंबर टू में भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, मिन टर्म, मैक्स टर्म एंड के मैप आर बेसिकली अ लॉजिकल, ठीक है। तो ये लॉजिक पे डिपेंड है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। तो अभी उसके लिए आपको पहले फर्स्ट पार्ट क्लियर होना चाहिए, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन और ये सब आपको पता ही होना चाहिए, तो ही यहाँ पे कुछ समझ में आने वाला है यूनिट नंबर सेकंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली रहेगा बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स में, आपके जो लॉजिक गेट्स है, बेसिक लॉजिक गेट्स एंड और नॉट, इसका ट्रुथ टेबल, उसका फंक्शनिंग क्या है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन एंड और नॉट के सिंबल्स किस तरह से, नोटेशन, वो हमें पढ़ना है, बुलियन थेरम्स, मीन्स इसमें बुलियंस रूल्स है, ठीक है, और बुलियन लॉज, ठीक है, असोसिएटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो ये सब हमें लॉज पढ़ना है बुलियन लॉज में। डी मॉर्गन थेरम, डी मॉर्गन थेरम पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है,
और थ्योरम भी आता है थ्योरी में प्रूफ करने के लिए, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। उसके बाद डिराइविंग बुलियन इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन सर्किट, ठीक है। एक सर्किट दिया रहेगा, सर्किट में एक इक्वेशन रहेगा लॉजिकल, उसको किस तरह से आपको शॉर्ट करना है बाय यूजिंग दिस बुलियन अलजेब्रा थ्योरम्स और लॉज, ठीक है। तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, तो वो हमें इसमें प्रॉब्लम्स लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक्स और एक्स नॉर गेट, ये स्पेशल पर्पस गेट्स है, ठीक है। यूनिवर्सल गेट्स जिसमें नैंड एंड नॉर है, उस पर भी हमेशा क्वेश्चन आता है नैंड एंड नॉर, वाई नैंड एंड नॉर इज़ कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल गेट, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स का है, लॉजिक गेट्स मेन है, ठीक है। अगर लॉजिक गेट समझ में नहीं आता है एंड और नॉट, तो आगे पूरा डिजिटल में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एंड और नॉट गेट के थ्रू टेबल इक्वेशन, उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, ये पता ही होना चाहिए। अगर ये पता है तो ही आगे कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। सेकंड बी पार्ट जो है वो मिन टर्म मैक्स टर्म एंड के मैप, ये टोटली लॉजिकल पार्ट है, मीन्स इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, थेरी कम रहेगा, मिन टर्म मैक्स टर्म पे मोस्टली प्रॉब्लम्स आते हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ सम, ओके, पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी फॉर्म, ये सब हमें पढ़ना है। और सेकंड पार्ट जो मेन के मैप, के मैप आपको 2, 3, 4, 5 एंड 6 वेरिएबल का के मैप है आपको स्टडी के लिए, ठीक है। बट जनरली पेपर में 2, 3 और 4 तक का ही आता है, क्योंकि 5th एंड 6th का जो के मैप है वो आपको 20-25 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, वो एमएससी लेवल पे है। 5th एंड 6th वेरिएबल का के मैप वो सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड है। तो FYIT में जनरली 2, 3 अप टू द 4 वेरिएबल तक की ही प्रॉब्लम पेपर में आपको मैक्सिमम दिखेंगे, ठीक है। तो के मैप से आपको SOP और POS फॉर्म में मिनिमाइज करना है बुलियन एक्सप्रेशन को, तो उसका भी प्रोसीजर है। 2 वेरिएबल का के मैप का अलग स्टेप्स है, 3 वेरिएबल का अलग है, 4 वेरिएबल का के मैप का प्रोसीजर अलग है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा के मैप में, थोड़ा सा टिपिकल है के मैप, बट अगर समझ में आया तो लॉजिक अगर समझ में आया तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया मिन टर्म मैक्स टर्म एंड के मैप। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट जो है वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, ओके, ए पार्ट, एंड बी पार्ट जो है वो अरिथमेटिकल सर्किट्स, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यूनिट नंबर 3 ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक एंड अरिथमेटिक, ठीक है। तो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तरह के सर्किट्स होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड सेकंड इज द सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में आपको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिटेल पढ़ना है, एंड आप फोर्थ यूनिट में देख पा रहे होंगे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, तो सिक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ना है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट मीन्स वॉट, फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशनल सर्किट मीन्स लॉजिक गेट्स, ओके, जो हमने यूनिट नंबर 2 में जो कवर किया है, एंड और नॉट गेट, एक्सऑर, एक्सनॉर, नैंड, नॉर, ओके, दीज आर द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, ओके। डिटेल में डेफिनेशन वगैरह हम थर्ड यूनिट में जब स्टार्ट होगा तब हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। बट एग्जाम्पल्स आर ऑल द बेसिक एंड यूनिवर्सल गेट आर द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, ओके। और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में रहेगा आपका सर्किट फ्लिप फ्लॉप्स, ओके। तो जितने भी टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है वो सब सिक्वेंशियल सर्किट है। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सर्किट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बिनेशनल एंड सेकेंड इज़ द सिक्वेंशियल, ठीक है। तो इसमें मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड कोड कन्वर्टर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सब सिलेबस है, ठीक है। मीन्स उसमें मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, ये जो सर्किट्स है कॉम्बिनेशनल, ठीक है, तो ये आपको इसमें स्टडी करना है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में बाय यूजिंग अ बेसिक गेट्स, ओके। सेकंड पार्ट जो रहेगा वो आपका कोड कन्वर्टर्स रहेगा, ठीक है। मीन्स जो कोड्स आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, ठीक है, तो इनको कन्वर्ट करना है, दिस ग्रे कोड, XS3 कोड, इस कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करना है। जैसे आपका नंबर सिस्टम है, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो इसी तरह से एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं,
तो ये सब आपको इस यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। सेकंड जो भी पार्ट है वो अरिथमेटिक सर्किट्स है। अरिथमेटिक सर्किट मीन्स वही बेसिक फंक्शन जो हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है, बेसिक्स बाइनरी अरिथमेटिक, ठीक है। तो पहले बाइनरी अरिथमेटिक पता होना चाहिए कि बाइनरी एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। अगर ये बेसिक पार्ट आपको नहीं पता या नहीं आता तो यहाँ पे अरिथमेटिक सर्किट का पार्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडर है, ठीक है। एडिशन के लिए X3 कोड का एडर है, BCD कोड को कैसे ऐड करना है उसका एडर, सर्किट डिज़ाइन करना है, सब्सट्रैक्टर है, ठीक है, 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन कैसे होगा बाइनरी का, ठीक है, BCD सब्सट्रैक्टर है, मल्टीप्लायर है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन का सर्किट किस तरह से डिज़ाइन होगा, यहाँ पे सर्किट भी डिज़ाइन करना है, लॉजिकल सर्किट, ठीक है। कंपैरेटर, 2 नंबर को कंपेयर कैसे करना है, अगर कंपेयर करेंगे नंबर को तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, सपोज ए एंड बी आर द इनपुट टू द कंपैरेटर एंड वाई इज़ द आउटपुट ऑफ अ कंपैरेटर, ठीक है, तो 3 कॉम्बिनेशंस होंगे। इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, सेकंड कॉम्बिनेशन बी इज़ ग्रेटर देन ए, थर्ड कॉम्बिनेशन विल बी ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑन द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर, ठीक है। तो वो हमें डिटेल में लेना है कंपैरेटर, उसका ट्रुथ टेबल। तो ये दोनों मिला के आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट होता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड अरिथमेटिक सर्किट मिलके, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जो है फोर्थ यूनिट, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ALU, एनकोडर एंड डिकोडर, ए पार्ट है। एंड सेकंड जो है वो आपका सिक्वेंशियल सर्किट है, जिसमें कि आपको पढ़ना है फ्लिप फ्लॉप्स, और फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ए पार्ट ईजी है, मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर, अगर आपको एंड और गेट बेसिक सब पता है, ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसमें भी डिज़ाइन करना है अलग अलग टाइप से, 2:1, 4:1, मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर, ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसका भी स्टडी करना है, जैसे मक्स एंड डीमक्स है वैसे ही एनकोडर और डिकोडर डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर उसके टाइप्स, डिकोडर एनकोडर के टाइप्स, इसमें से किसी पे भी क्वेश्चन आएगा, मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर आर मेन, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। MCQ भी रहेगा तो उसमें आपको मक्स एंड डीमक्स पे लॉजिकल क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2:1 मल्टीप्लेक्सर में किस तरह से सिलेक्ट लाइन डिज़ाइन होगा, और डी मल्टीप्लेक्सर में किस तरह से 8:1 अगर डिज़ाइन करना है तो किस तरह से आपके सिलेक्ट लाइंस कितनी रहेंगी, तो इस तरह से MCQs आर पॉसिबल, ठीक है। सेकंड पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, सिक्वेंशियल सर्किट, इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग है थोड़ा, तो इसके लिए भी बेसिक आपको यूनिवर्सल गेट्स पता होना चाहिए जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये अगर पता रहेगा यूनिवर्सल गेट्स मीन्स नैंड एंड नॉर, तो उसी से डिज़ाइन होगा फ्लिप फ्लॉप। उसमें इंट्रोडक्शन लेना है फ्लिप फ्लॉप क्या है, डेफिनेशन, उसका ट्रुथ टेबल, ठीक है। उसके बाद उसमें टाइप्स है, फर्स्ट SR फ्लिप फ्लॉप, DE, JK, रेस अराउंड कंडीशन क्या है, मास्टर्स लाओ JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, ये सब एडवांस वर्जन है। बेसिक आपका SR फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, बाकी जो भी है वो सब डिराइव है, बेसिक फ्लिप फ्लॉप से सबको डिराइव किया है, क्योंकि हर फ्लिप फ्लॉप में कुछ एडवांटेजेस है कुछ डिसएडवांटेजेस है, इसके लिए ये सब क्या हो गए, डिराइव हो चुके हैं एडवांस, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन करना है वन फ्लिप फ्लॉप टू द अनदर, मीन्स SR फ्लिप फ्लॉप को D में कन्वर्ट करना है, JK को D, D को JK में कन्वर्ट करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो उस पर लॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कन्वर्जन पे, ठीक है। देन एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप कहाँ पे यूज़ होता है वो सर्किट का स्टडी करना है। तो ये मिला के आपका फोर्थ यूनिट कम्प्लीट होता है बी पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट थोड़ा बी पार्ट ट्रिकी है, उसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद उसी पे बी पार्ट पे पूरा डिपेंड है आपका फिफ्थ यूनिट, जिसमें ए पार्ट है आपका काउंटर, बी पार्ट है शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। काउंटर मीन्स सिंपली अ काउंटिंग, जो काउंट करता है 1 to 10, ठीक है। काउंटर अप काउंटर भी है, डाउन काउंटर भी है, जो मीन्स 1 से लेके सपोज 10 तक काउंट करेगा, 1 2 3 4,
डाउन काउंटर रिवर्स काउंट करेगा, 10, 9 अप टू द 0, ठीक है। तो उसमें दो टाइप से असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप से कैसे डिज़ाइन करना है वो हमें पढ़ना है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस टी फ्लिप फ्लॉप से किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए पहले फ्लिप फ्लॉप का यूनिट आपको पूरा पता होना चाहिए, टी फ्लिप फ्लॉप क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, उसके थ्रू टेबल। तो ये काउंटर्स आपको डिज़ाइन करते आएगा, इस पर प्रॉब्लम्स ही आएंगे सिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन के, ठीक है। उसके बाद ये जो आईसी है 7490, इसका ब्लॉक डायग्राम निकालना पड़ेगा आपको, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका स्टडी करना है, ठीक है। तो सिंक्रोनस काउंटर के आईसीज जो अलग अलग, तो इसका डिटेल स्टडी करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका काउंटर्स का, ए पार्ट। सेकंड पार्ट जो शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर मीन्स डेटा ट्रांसफ़र करना है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। तो उसका इंट्रोडक्शन लेना कि शिफ्ट रजिस्टर क्या है। शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली डिजिटल डेटा को ट्रांसफ़र करता है एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर में, ठीक है। तो उसके चार टाइप्स है अलग अलग, देर आर फोर टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल एंड शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल शिफ्टिंग, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, ठीक है। तो ये चारों का जो भी डिज़ाइन है और ट्रुथ टेबल आपको स्टडी करना है एंड वर्किंग है इसका। तो चारों में से किसी भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद काउंटर्स के टाइप से रिंग काउंटर डिज़ाइन करना है, जॉनसन काउंटर क्या है, एप्लीकेशन शिफ्ट रजिस्टर कहाँ यूज़ होता है, सेवन सेगमेंट डिस्प्ले का डिटेल स्टडी करना है। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले मीन्स जो ऐड के लिए यूज़ होता है, ये आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा साइन बोर्ड्स के लिए, ठीक है, जो रेड है और वाइट कलर में दिखता है, ठीक है, बोगी नंबर दिखने के लिए या ट्रेन नंबर देखने के लिए, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ सेवन सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले। तो वो डिजिटल से कैसे डिज़ाइन होता है, वो डिटेल थ्रू टेबल, उसका डिज़ाइन, ये सब इसमें देखना है, ठीक है। तो ये टोटल ए और बी पार्ट मिला के आपका फिफ्थ यूनिट होता है, काउंटर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। के बाद नेक्स्ट पार्ट जो मेन है बुक्स। अब बुक्स कौन सा आप यूज़ करोगे, ठीक है। अब बुक्स दो होते हैं, एक टेक्स्ट बुक रहेगा आपका सिंपल मुंबई यूनिवर्सिटी का, और दूसरा जो रहेगा आपका रेफरेंस बुक। तो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो सब रेफरेंस बुक है, वो अभी मिक्स है, मीन्स इंडियन ऑथर का के भी है और फॉरेन ऑथर्स के भी है। तो फर्स्ट जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिकल डिज़ाइन, ये एक बेस्ट बुक है, ठीक है, एन जी पालन ऑथर है उनके, और टेक्नोवा पब्लिकेशन है, ठीक है। इसमें सिंपल लैंग्वेज में दिया है, मीन्स हार्ड इंग्लिश नहीं है, सिंपल इंग्लिश है, मीन्स एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये बुक बेस्ट है, इसमें प्रॉब्लम्स भी रहेंगे और थ्योरी भी पूरा टोटल कवर किया है, मीन्स 100% सिलेबस इसमें है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिज़ाइन में, मीन्स आपको कोई दूसरा बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये डिटेल में, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक है उसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है थ्योरी, ठीक है। सेकंड जो है वो आपका मेक इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये आपका रेफरेंस बुक है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड जो है मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय आर पी जैन, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा बुक है, बट इसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ा लेंथी दिया है, ठीक है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये टाटा मैक्रॉ हिल पब्लिकेशन का है, आर पी जैन, नेट पर मिल जाएगा आपको, अगर आप गूगल बुक्स में देखोगे तो आपको फ्रीली पीडीएफ मिल जाएगा आर पी जैन का। देन डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन मालविनो का है, टाटा मैक्रॉ हिल का, इसमें आपको कुछ ही पार्ट मिलेगा डिज़ाइन का, ठीक है, बाकी सिलेबस आपको बाकी ऊपर के जो बुक्स है उसमें से आपको स्टडी करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल डिवाइसेज एंड एप्लीकेशन बाय ए के मनी, ठीक है, ये भी इंडियन ऑथर है, तो इसमें भी आपको सिलेबस मिल जाएगा टोटल। सो टोटल जो आपके फिफ्थ पांच बुक्स है रेफरेंस और एक टेक्स्ट बुक रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट वे कि आप टेक्स्ट बुक भी यूज़ कर सकते हो या इसमें से कोई भी रेफरेंस। अभी जिसको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, थोड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, तो प्रैक्टिस करना है, तो आपको ये बुक्स यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिमिटेड डिज़ाइन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट बुक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिज़ाइन, इसका पीडीएफ आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जब वीडियो देखोगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और सेकंड थिंग, जो सिलेबस है
जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। तो इसका भी एक पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, तो ये आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस सबके पास होना चाहिए, मीन्स आपको पूरे यूनिट्स किस में डिवाइड किए, कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो ये पता होना चाहिए पहले, तो ही सब्जेक्ट प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो सबके पास सिलेबस का कॉपी होना चाहिए, हार्ड कॉपी, ठीक है। तो उसका प्रिंट आप निकाल सकते हो। तो यहाँ तक हमने सिलेबस कवर किया, एंड देन डिटेल यूनिट बाय यूनिट हमने सिलेबस देखा, उसमें क्या क्या सब टॉपिक्स है ये सब हमने कवर किए, ठीक है। उसके बाद अभी हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉर्ट फॉर्म DEA, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वापस हम वही चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर वन, क्योंकि हर यूनिट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो हमें फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम बेसिक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ही आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आएगा। तो यूनिट नंबर वन में अभी हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम्स क्या है, ए पार्ट, उसमें एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम्स क्या होता है, ठीक है। मोस्टली हमारा जो फोकस रहेगा वो डिजिटल सिस्टम में रहेगा सेकंड पार्ट के ऊपर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। एंड उसके बाद हम नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो स्कैन कॉपी है एनजी पॉलन जो बुक है उसका, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए वो, और उससे भी स्टडी किया तो भी आपका ये पूरा सिलेबस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट जो हमें पढ़ना है सिग्नल क्या होता है, ठीक है, व्हाट इन बाय सिग्नल, ठीक है। क्योंकि हमें एनालॉग सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद डिजिटल सिग्नल सिस्टम पढ़ना है, तो पहले पता होना चाहिए सिग्नल क्या होता है। बेसिक सिग्नल इज डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरीज विद टाइम स्पेस और एनी अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स, ठीक है। तो सिग्नल क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट कैन बी वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये अभी देख पा रहे होंगे आप कि एनालॉग सिस्टम है, तो एनालॉग सिग्नल का फॉर एग्जाम्पल साइन वेव, साइनोसॉइडल वेव इज अ एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो है आपका एनालॉग। तो अभी इसमें हो क्या रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूसली चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। ऑन वाई एक्सिस देर इज अ सपोज वोल्टेज, ओके, एंड ऑन एक्स एक्सिस देर इज अ टाइम। सो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी कंटिन्यूसली चेंज फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है। सो एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड द वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल विल बी डिफरेंट, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड वैल्यू विल बी डिफरेंट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू प्लस वी और वी मैक्स, ओके। देन अगेन इट गोज टू द जीरो, क्रॉस द जीरो, गोज इन टू द मिनिमम निगेटिव डायरेक्शन दैट इज माइनस वी, अगेन इट विल पीरियडिकली इंक्रीज, अगेन क्रॉस जीरो, अगेन इट विल गोज टू द पॉजिटिव वैल्यू प्लस वी, ठीक है। सो दैट इज अ वैल्यू ऑफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल विल बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपली अ सिग्नल। मीन सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट इज अ साइनोसाइडल सिग्नल, और वी कैन से दैट द एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो जो सिग्नल है, ठीक है, तो उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड, ओके, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉजिटिव अप साइकिल, बिकॉज द एनालॉग सिग्नल इज अ पीरियोडिकल सिग्नल, ठीक है। सो इट विल रिपीटेड एट एवरी पीरियड, ओके। फर्स्ट पीरियड आपका पॉजिटिव है, देन उसके बाद निगेटिव, अगेन इट विल बी अ पॉजिटिव, अगेन इट विल बी अ निगेटिव, मीन्स आफ्टर सर्टन टाइम्स इट पीरियड कैन बी अ रिपीट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव अल्टरनेटली, ओके। सो ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट सिग्नल,
साइन ओमेगा डी प्लस थीटा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में, एंड थीटा इज द फेज फेज ओके, एंड द टी इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल। मीन्स अब इस कंडीशन में अगर इसका टाइम ड्यूरेशन लेंगे आप टी, वन साइकिल मीन्स आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के आपका वन साइकिल होता है, वन साइकिल ठीक है, वन पॉजिटिव एज वेल एज वन नेगेटिव हाफ साइकिल दैट विल गिव द वन साइकिल फॉर द एनालॉग सिग्नल और द साइन वेव। ठीक है, क्योंकि क्या ये पीरियडिकल सिग्नल है तो हर पीरियड के बाद रिपीट होते जाएगा, तो आप कोई भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिग्नल को कंसिडर करके वो आपका एक साइकिल हो जाएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन है एफ इज इक्वल टू 1/T, मीन्स टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मीन्स अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, इफ टाइम पीरियड इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज ओके, एंड इफ फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज देन टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज। ठीक है, सो दैट इज अ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड ओके, दैट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल। मीन्स अगर हमें टाइम पीरियड पता है कोई भी सिग्नल का टी, तो उसका हम रेसिप्रोकल लेके फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। ठीक है, या हमें अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक आपको फिजिकल क्वांटिटी पता है तो आपको दूसरा फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज के वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजिटल सिस्टम एंड नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।